ओके सो अजय लेट्स प्रोसीड अहेड विद योर दिस इंटरेक्शन एंड लेट मी वेलकम यू ऑन योर पीडिया। थैंक्स अलॉट फॉर द टाइम अजय एंड थैंक यू सर, थैंक यू सर, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू अजय, आपकी सिलेक्शन हुई है एज लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? यस सर, यस सर, थैंक तो यू सर। अजय आपसे जो इंटरेक्शन है इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो उनको रिक्वायर्ड है, दैट इन्फॉर्मेशन इट विल बी। सो आई स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, आप बैकग्राउंड के बारे में। सर माय नेटिव प्लेस इज बोधगया, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार। मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल रीवा से अप टू 12th तक हुई है। उसके बाद GSIT से इंदौर से बी बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन NIT इलाहाबाद पावर सिस्टम MTech। देन आई ज्वाइन टू कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर लाइक ओपन सिस्टम इंटरनेशनल एज ए स्काडा इंजीनियर एंड देन इन IEX एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। राइट नाउ आई एम वर्किंग। सो आपने आपका ग्रेजुएशन हुआ कब है अजय? 2018 सर, 18। तो उसके बाद से आप क्या बता रहे थे, आपने कहाँ पे किया है? 1 साल गेट का प्रिपरेशन, उसके बाद 2 साल एमटेक, उसके बाद कंपनी ज्वाइन की प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें कितनी देर काम किया आपने कंपनी में? अभी कर ही रहा हूँ सर, राइट अभी नाउ भी अभी। उसी में हो, यस अभी सर, आपका ज्वाइनिंग नहीं आया हरियाणा में। यस सर, यस सर, दैट्स व्हाई। अभी अच्छा, तो ये कैसे मन मना लिया आपने इस तरफ आने का फिर? ऐसा मन तो सर पहले से ही था, लाइक कमिटमेंट लाइक। उसके बाद 2018 में 1 साल ड्रॉप लिया था गेट के लिए, PSC के लिए, लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाया, तो फिर ज्यादा वर्थ नहीं लगा फिर से ड्रॉप देने का। तो क्योंकि मास्टर के साथ भी आप टाइम मैनेज करके निकाल सकते हो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, आपकी देन स्पेशलाइजेशन किस में हुई है? पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में। तो आप अजय, आपने जैसे गेट एग्जाम वगैरह लिखा फिर मास्टर्स की, तो प्लेसमेंट आपने प्लेसमेंट के साथ साथ मतलब कॉलेज के साथ साथ भी तैयारी करते रहे आप इस हाँ चीज की? सर, यस। तो जैसे एमटेक नॉर्मली बच्चा नहीं करता है, बोलता पीएसयू की तैयारी करनी है या असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह की तैयारी करनी है, तो क्या एमटेक करके कुछ बेनिफिट होता है जॉब लेने के लिए? जैसे ये तो जैसे आपने ये जॉब लिया। सर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है मास्टर को, चाहे आप IITs में देखो या फिर NITs में देखो। तो अगर आप मास्टर में हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ये ऑब्वियस है। आप ऑफ कैंपस भी जाओ तो मास्टर की प्रेफरेंस दे रही है आपकी। बस ये होना चाहिए कि आपने सही से किया, मतलब एक एवरेज स्कोर मेंटेन करके दोनों तरफ आप जा सकते हो। ऐसा भी नहीं कि मास्टर में आपको पूरा टाइम डिवोट ही रहना है, ऐसा आप दोनों साइड दे सकते हो टाइम मैनेज के। उसके साथ भी मेरे ख्याल से तो अगर आप एक अच्छी जगह पे हो, अच्छी जॉब पे हो, तो आप वहाँ भी टाइम मैनेज कर सकते हो। क्योंकि मैं जॉब के साथ ही ये जो भी किया हूँ जॉब के साथ ही किया हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप, मेरे लिए मेरे माई ओपिनियन दैट कि आप 1 साल 2 साल दो, उसके बाद आपको लगना चाहिए कि नहीं इस कुछ और, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम अगर प्रिपरेशन भी करोगे तो आप ऐसा रहेगा कि आप रिवीजन है, चलो टेस्ट सीरीज करते, एक एक टेस्ट रोज, अगर किसी रिटन एग्जाम का है तो एक एक टेस्ट का शेड्यूल रख दो कि हाँ एक टेस्ट आज, एक रिवीजन। क्योंकि आप 1 साल अगर पर्टिकुलर है या किसी एग्जाम के लिए दिए हो तो आपको बस अब रिविजन, उसके साथ ये रहेगा कि आप टचअप में रहो कुछ भी सारे सब्जेक्ट के साथ, जो मैंने यही किया। और टेस्ट सीरीज हमेशा तो टचअप रहने के बाद, कि मैं जॉब के साथ भी इस एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू को जॉब के साथ ही दिया हो, तो सब कुछ जॉब के साथ ही। ओके। अच्छा अजय, ये जो पॉलिटेक्निक लेक्चर का जॉब है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, किस तरह का जॉब है ये? सर ये अगर ये मतलब जिसमें टीचिंग का अगर ज्यादा उसके तरफ ज्यादा लीन है तो उसके तरफ भी उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। क्योंकि आप मतलब आपको जो कोर सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके हो जिसके लिए प्रिपरेशन की हो, तो बस एलिब्रेट करने में सामने वाले को आपको टीचिंग स्किल ठीक है पहले हो तो आप, और पहले से इंटरेस्ट हो तो आप बहुत अच्छी इसमें अच्छी जॉब है मेरे ख्याल से। तो ये डिग्री कॉलेज में टीचिंग और पॉलिटेक्निक में टीचिंग में इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? पॉलिटेक्निक मीन्स थ्योरेटिकली थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो डिग्री में आप प्रैक्टिकली ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो उसके बाद। और इसमें क्या बेसिक बेसिक नॉलेज सारे सब्जेक्ट के बेसिक बेसिक नॉलेज है इसमें, और थोड़ा सा उस तरफ में ज्यादा प्रैक्टिकल वे में ज्यादा जाते हैं डिग्री कॉलेज में। ओके। अच्छा अब मेरे को अजय ये बताओ कि इसका रिटन एग्जाम जो हुआ था वो कैसा था? सर ये मिक्स था, मतलब कुछ गेट के क्वेश्चन लेवल के कुछ थे, ज्यादा नहीं थे मतलब, और बाकी ईएस के थे कुछ कुछ, ईएस लेवल के कंपेयर टू। तो ऐसा था कि आप मतलब आप अगर गवर्नमेंट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर रहे थे या फिर एग्जाम दिए हो तो कई क्वेश्चन तो वैसे थे डायरेक्ट पिछले के एग्जाम के, डायरेक्ट उसी पे बेस्ड हो। और उसके बाद मतलब ठीक ठाक लेवल था, एक अच्छे मीडियम लेवल का एग्जाम। मतलब जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उस टाइप के क्वेश्चंस थे हाँ थे उस साइड के और क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल भी पूछा गया था। नॉन टेक नहीं था सर।
अच्छा, मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं था, ओनली नहीं, टेक्निकल था। टेक्निकल। तो कितने क्वेश्चंस और कितने घंटे का पेपर था ये? सिर्फ 2 घंटे का टेस्ट था और 100 क्वेश्चन थे। और नेगेटिव मार्किंग भी था। हाँ, नेगेटिव। अच्छा अजय, ये अब जो इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताना कि कैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे आपसे। सर, क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑफ टाइम मेरा मतलब अप्रोक्स 10 और 12 15 पीपल के बाद मेरा आया, तो उस तरफ से आइडिया लग गया था कि ऐसे हो क्या रहा है पैनल में। तो पैनल में मेरे ख्याल से कोई भी एग्जाम जाओगे तो एक तो था कि पता था कि टेक्निकल क्वेश्चन आने ही आने। दूसरा ये था कि आपको करंट का जरूर पूछ सकते हैं, जैसे मेरे से 2 3 क्वेश्चन पूछे गए कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो ये तो ऑब्वियस है कि आप इतना अवेयर तो रहो कि इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है, जनरल्स का, तीनों डिफेंस के जनरल कौन से हैं, एडमिरल एयर स्टाफ कौन से हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो कोई भी इंटरव्यू के लिए तो इतना कॉमन, कोई भी एक पर्टिकुलर सिटीजन हो तो उस कंट्री के बारे में मेन मेन जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में जानना हो, मेन मेन जो अभी मिनिस्टर्स है, मिनिस्ट्री है, तो उसके बारे में करंट अफेयर, ये हर एग्जाम में अब ये देखा जा रहा है कि कोई भी इंटरव्यू। जैसे मैं एनआरएल में भी गया था तो वहां पे भी ऐसा ही था कि मतलब उन्होंने टेक्निकल कुछ पूछे लेकिन कुछ जनरल अवेयरनेस भी पूछे देखने के लिए कि कैसा जनरल अवेयरनेस है। तो मेरे से तो यही था कि उन्होंने पहले तो टेक्निकल पावर सिस्टम के डिस्टेंस रिले के बारे में पूछा, फिर उन्होंने बोला कि जो जितने भी डिस्टेंस रिले हैं उनको एक बोर्ड था वहां पे, बोले डिस्टेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके आप आ जाओ। तो फिर वहां पे गया, फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया हल्का सा, फिर वो बोले कि राइट नाउ अभी क्या कर रहे हो, तो कंपनी के बारे में था, उसके बारे में उन्होंने पूछा क्या करती है कंपनी। तो इस तो स्टार्ट हुआ, फिर लगभग 10 to 15 मिनट इंटरव्यू अच्छा गया। और कितने मेंबर बैठे थे अंदर? मैं 5 थे, 5 मेंबर्स थे। तो सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, सब क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन तो सब पूछेंगे, तो चेयरमैन साहब तो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते। नहीं होते। हाँ, तो वो मेन होते हैं, वो नॉन टेक से पूछते हैं, वो जैसे जनरल अवेयरनेस चेक करने के लिए तो वही होते हैं, एक तरह से उन्हीं का जनरल अवेयरनेस एक तरह क्वेश्चन बनते हो। तो मेरे ख्याल से तो जो भी है, कोई अगर इंटरव्यू देने जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस तो एज ए सिटीजन आप उस कंट्री के अच्छे अच्छे पते ही होने चाहिए, अच्छे पॉइंट, और जो अभी करंट अफेयर चल रहा है वो तो पते होने चाहिए। तो कोई ऐसा क्वेश्चन टेढ़ा है जो उन्होंने आपसे पूछा हो? सर, मेरे से ज्यादा टेढ़ा तो नहीं पूछा था, नॉर्मल। चेयरमैन साहब का क्वेश्चन क्या था? मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चेयरमैन एचपीएससी का टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। उनके नाम पूछे थे। तो एक्चुअली मेरा तो नंबर 15 सीरियल नंबर, तो मेरे को आइडिया लग गया था तो कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो उस तरह से मैं फिर मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया उस समय कि हाँ ये मेन मेन अपॉइंटमेंट्स देखते, तो उस समय आइडिया मिल गया। तो हाँ, ये मेरे लिए ये भी, क्योंकि आपके आप जो इंटरव्यू हो रहे हो ऐसे ही हो रहे हैं कि आपको पूरा पूरा टेक्निकल कोई नहीं पूछ रहा, इसमें है कि नॉन टेक थोड़ा सा जनरल पूछ ही रहे, अनप्रडिक्टेबल टाइप के थिंग है कि आपको कई कई बार की पूरा पूरा टेक्निकल ही हो जाता है, कई कई बार दोनों मिक्स होते हैं, कई कई बार नॉन टेक ही ज्यादा पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा दोनों तरफ में। वंडरफुल। चलो अजय, दैट इज वंडरफुल, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। अब लास्ट में हम पहुंचे हैं, तो मेरे को ये बताओ कि कोई एडवाइस देना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने पूरी जर्नी ट्रेवल की है, प्राइवेट में जॉब किया, आपने एमटेक किया, आपने बीटेक भी किया, और उसके बाद आप ये गवर्नमेंट के लिए एस्पायर किया आपने और गवर्नमेंट जॉब भी लिया, तो कुछ भी आप मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को। मेरे ख्याल से तो मैसेज यही है कि आप ज्यादा टाइम, मेरे ख्याल से जब अपना ओपिनियन बस है कि आप अगले 2 साल किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर चुके हो, उसके बाद अब थोड़ा ये फैमिली प्रेशर भी आ जाती है, तो उस तरफ आप ये भी रहता है कि आप ना अच्छे से तैयारी कर पाते हो ना अच्छे से, उधर दोनों साइड पे आप फंस जाते हो। तो मेरे ख्याल से आप एक जॉब जॉब या फिर जो जिसमें आप एक पर्टिकुलर कोर्स, जैसे अभी कई कोर्सेज हैं जिसके आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा डिमांडेड हो जाए, डेटा डेटा साइंस है या कुछ प्रोग्रामिंग की है, तो आप इस तरफ भी जा सकते हो साथ, क्योंकि आपने 2 साल की एग्जाम के दे दिए तो बस वो आप रिविजन में हो, इन टचअप पर रहना जरूरी है आपके साथ, तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, या फिर कोई कोई कोर्सेज के साथ, जैसे मैंने मास्टर लिया उसके साथ प्रिपरेशन किया, तो ऐसे कई दोस्त थे मेरे जो मास्टर में ही करते करते ही बहुत अच्छे अच्छे जॉब, बहुत सारे लोग निकले हैं मास्टर करते करते, तो कई लोग होते हैं बीटेक करके फिर गेट पे लगे रहते हैं घर, तो मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए, आप आगे बढ़ते हो एक साथ, मतलब ये रुके रहने का ज्यादा फायदा नहीं है किसी भी चीज के लिए। चलो वंडरफुल अजय, बहुत अच्छा आपने एडवाइस किया है स्टूडेंट्स को, एंड आई थैंक यू वंस अगेन फॉर द टाइम, एंड ऑल ऑल द बेस्ट फॉर दिस नोबल प्रोफेशन। थैंक यू। थैंक यू।